महिंद्रा थार इंडिया में मिलने वाली सबसे ज़्यादा सुरक्षित SUVs में से एक, जिसे ग्लोबल NCAP पे मिली है 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। लेकिन अभी हाल ही में झारखंड से इस गाड़ी का एक एक्सीडेंट केस सामने आया है, जहां पर सबसे पहले आप इस गाड़ी की ये हालत देखो और एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात ये बताता हूँ, महिंद्रा थार की एक एक्सीडेंट के बाद इस गाड़ी का एयर बैग्स भी नहीं खुला। आइए जानते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में पूरा डिटेल, क्या इसमें बैठा औरत बचा या नहीं, सारी बातें बताऊंगा और कैसे हुआ महिंद्रा थार का ये हालत। दोस्तों, वीडियो में पहली बार आया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा हमें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा थार दोस्तों नेशनल हाईवे 33 पर जा रही थी। गाड़ी काफ़ी नॉर्मल से रफ्तार में जा रही थी, 50-60 की रफ्तार में, कि तभी महिंद्रा थार को पीछे से ठोकर मार देती है एक ट्रक, बड़ी वाली ट्रक। और जब ये गाड़ी पीछे से ने ठोकर मार देती है तो महिंद्रा थार को जो ड्राइव कर रहा था वो बंदा पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और आप जानते हो, जब बंदा आउट ऑफ कंट्रोल में होता है तो उसे समझ नहीं आता, और ये गाड़ी कई बार पलटी खाती है। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक से टायर गायब, इसके जो गाड़ी होती है वो कई राउंड में पलटी खाती है। और पलटी खाते खाते ये गाड़ी इतनी ज्यादा पलटी खा के एक सामने ट्रक खड़ी रहती है उसके ऊपर जाके सीधा क्रैश भिड़ जाती है खड़े खड़े। अब आप इस गाड़ी का हालत देखो, पीछे से देखो जा चुका है, साइड से देखो तो भी जा चुका है, फ्रंट हिस्सा अगर आप ध्यान दोगे तो आप फ्रंट इंजन के हिस्से पे देखोगे, बम्पर पे ज्यादा कोई यहां पे इंपैक्ट नहीं आया है। अब यही इसका मेन रीज़न है, जो सेंसर्स होते हैं वो फ्रंट में लगे होते हैं, जब फ्रंट पे इंपैक्ट आया ही नहीं तो एयरबैग्स नहीं खुले, समझ रहे हो। अब देखो जो बैठा था उसके साथ क्या हुआ दोस्तों, जो बंदा इसके अंदर बैठा हुआ था, मैं बताता हूँ, वो उसके हाथ में जरा सी इंजरी आई है लेकिन वो जिंदा बच गया है, उसे कोई बहुत बड़ा मतलब एक्सीडेंट वगैरह उसका नहीं हुआ है, जो गाड़ी के शीशे होते हैं उसके तरफ से इंजरी आई है। तो हाँ यार, महिंद्रा थार ने साबित तो कर दिया कि हम 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड़ी बनाती है और थार सच में बहुत सुरक्षित है, लेकिन एयरबैग्स के सेंसर को अब कंपनी को थोड़ा सा काम करना चाहिए और इसको और ज़्यादा एक्टिवेटेड बनाना चाहिए, जिससे कारण गाड़ी में एयरबैग्स खुल जाए। ओवरऑल थार के इस एक्सीडेंट केस के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वैसे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑटो कंपेयर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।